माई नेम इज़ कुसुम. ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइट बिगनर्स आई विल टेल द टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू द स्पीकिंग मॉड्यूल इन PT. एज ऑल द स्टूडेंट्स दे फील अ डिफिकल्ट पार्ट इन स्पीकिंग एज दे मोस्टली गेट स्टक वाइल स्पीकिंग एंड दे लूज योर कॉन्फिडेंस. सो दीज टिप्स हेल्प्स यू टू अचीव द गुड स्कोर्स इन योर PT एग्जाम. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके द फर्स्ट वन इज ब्रेक द टेक्स्ट अप इंटू चंक्स. चंक्स का मतलब क्या हो गया कि हमें 2-3 वर्ड्स के बाद, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो आफ्टर एवरी वर्ड दे टेक पॉज. हमें वो चीज़ नहीं करनी है. वी हैव टू यूज द चंक्स. वी हैव टू डिवाइड द पैराग्राफ इंटू चंक्स. लाइक ब्रेक द टेक्स्ट अप टू अप और इंटू चंक्स. लाइक 2-3 वर्ड्स को हमें एक चंक बनाना है. एंड पॉज स्लाइटली बिटवीन ईच वन एज यू रीड. कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं हर एक चंक के बाद हमें क्या करना है, मीन्स आफ्टर 3 or 4 वर्ड्स वी हैव टू टेक अ नैनो सेकेंड पॉज. ओके द सेकेंड वन, बिफोर द रिकॉर्डिंग बिगेन्स यूज अ पंक्चुएशन टू हेल्प यू डिसाइड वेयर टू पॉज एंड वेयर ईच न्यू चंक विल बिगेन. कहते हैं जैसे हमारे पास अब रीड अलाउड है, वी गेट 25 सेकेंड जस्ट टू रीड आउट द पैराग्राफ. और हमारे पास कुछ और भी टास्क हैं जहाँ पे हमें 25 सेकेंड्स एज वेल एज 40 सेकेंड्स मिलते हैं उनको रीड करने के लिए. तो डैट टाइम जो है वी हैव टू यूज डैट टाइम जस्ट टू चेक द पंक्चुएशन कि कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, सो डैट वी कैन टेक द एक्यूरेट पॉज. लाइक अगर कॉमा है तो देन वी हैव टू टेक अ नैनो सेकेंड पॉज. अगर फुल स्टॉप है देन वी हैव टू टेक अ स्लाइट पॉज. क्या ओके द थर्ड वन, स्ट्रेस द वर्ड्स डैट कैरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब जैसे हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं लाइक इन रीड अलाउड, जो वर्ड जो है वो हमें लग रहा है कि इट इज़ अ मेन वर्ड ऑफ डैट पैराग्राफ, देन वी हैव टू पुट द स्ट्रेस ऑन डैट वर्ड. द मेन थिंग इज आर फ्लुएंसी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज राइजिंग इंटोनेशन पैटर्न्स टू शो अ कंट्रास्ट. इंटोनेशन पैटर्न मीन्स लाइक सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल है बिल्डिंग्स विद ट्रीज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या मेंशन है, एस बिल्डिंग्स एज वेल एज ट्रीज. तो हमें क्या करना है, अपनी वॉइस को राइज करना है लाइक बिल्डिंग्स विद ट्रीज. ठीक है तो बिल्डिंग्स विद ट्रीज. अब यहाँ पे आगे मैंने क्या किया है, अपनी साउंड को थोड़ा सा हाई, हमारी पिच जो है वो हाई रखनी है क्योंकि हमारी जो फ्लुएंसी है जो कंप्यूटर ने उसको असेस करना है. वी हैव टू ब्रिंग द वेरिएशंस इन आवर पिच. ये नहीं कि हमें एक ही पेस पे रखना है, हमें अपनी पिच में थोड़ी सी वेरिएशंस भी लेके आनी है. देन स्ट्रेस राइट ऑन द मल्टी सिलेबल वर्ड्स. मल्टीपल सिलेबल वर्ड्स मीन्स लाइक वो वर्ड्स जिनके पीछे ION लिखा होता है, तो हमें उसके ऊपर स्ट्रेस देना लाइक पॉल्यूशन. So we have to put the stress on the last words. Pollution, combustion, stations. Clear? Okay, now we will move towards the other tip. That is look for the sense groups as well as the grammatical structure. Grammatical structure, like suppose karo humare paas ek word hai honest. And before honest, we all know that, to usme kya hogi? An. To humne kya bolna hai? An honest person. ठीक है, ये नहीं कि हमें एन के बाद एक पॉज लेना है, हमें उसको साथ में लेके चलना है. एन ऑनेस्ट पर्सन. ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स शुड बी सेड इन अ वन चंक. जैसे हमें लग रहा है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है जो एक ही चीज़ को रिवील कर रही है, देन वी हैव टू स्पीक टुगेदर. लाइक वंस दे स्टॉप वर्किंग दे मे अचीव द टास्क. क्लियर. एंड स्ट्रेस ऑन द लास्ट वर्ड. लास्ट वर्ड मीन्स जो हमारे वर्ड का लास्ट एस है या ED है, तो हमें उस पर स्ट्रेस देना लाइक ऑन आर मूड्स, अबाउट आर लाइफ्स. क्लियर. होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल.